आदत बन गई है भारतीय जनता पार्टी और उसके वैचारिक गुरु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, कि जनता को, लोगों को व्यस्त रखें, विवादों में रखें, ऐसे ऐसे विवादों में उनको व्यस्त कर दें कि वो कठिन प्रश्न पूछना बंद कर दें, उनका ध्यान, वोटर का ध्यान रोजमर्रा से जुड़ी हुई जिंदगी की समस्याओं से दूर हो जाए। दिस हैज बिकम अ हैबिट विद द बीजेपी एंड इट्स आइडियोलॉजिकल मास्टर द आरएसएस टू कीप रेकिंग अप इश्यूज एंड क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी, इश्यूज ऑन विच ओपिनियंस आर शार्पली डिवाइडेड, इश्यूज दैट कैन divert the attention of the voter, of the people, from the day-to-day problems that they are facing under this government. आप इस सरकार की तमाम ऐसे निर्णय या तमाम जिसको हम अंग्रेजी में narrative कहते हैं, जो जब से ये आए हैं पिछले 5 साल और 3 महीने से आप देख रहे हैं, तो उसके पीछे की जो design है वो design सिर्फ ये है कि हम और आप व्यस्त रहें। अचानक नोटबंदी कर देना, बिना किसी से चर्चा किए, बिना एक्सपर्ट्स की सुने ऐसे ऐसे निर्णय ले लेना जैसे 370 ले लिया, और फिर से जब देखें मीडिया में आ रहा है, आप जैसे कुछ मजबूत निडर पत्रकार छाप देते हैं कि अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, तो अब क्या करें, तो मोहन भागवत जी से कुछ कहलवा दिया, आरक्षण के ऊपर फिर से उसको पुनर्जीवित करने की बात कर दी उस चर्चा को। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सपोज बिफोर यू इज द डिजाइन बिहाइंड ऑल दीज कमेंट्स और दीज डिसीजंस और द नैरेटिव व्हिच इज ट्रिगर्ड बाय दिस गवर्नमेंट एंड इट्स आइडियोलॉजिकल मास्टर्स। ये जो ट्रैप है, ये जो जाल बिछाते हैं, इस जाल को हमें बखूबी समझना होगा और जनता को भी इसको बखूबी देखना होगा कि ये जाल क्यों फैलाया जा रहा है, आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिससे हमारा ध्यान बंटाया जा रहा है और हमें क्यों आपस में लड़वाने की ये चेष्टा की जा रही है। मोहन भागवत जी की जो टिप्पणी कल आई, उससे पहले भी वो इस मुद्दे पर टिप्पणी कर चुके हैं, उनकी जो शिष्य हैं सरकार में बैठे हुए हैं, पूरे देश में आदिवासियों पर, दलितों पर किस तरह से वो अत्याचार हो रहा है इस राज्य में, वो किसी से छिपा नहीं है। मैं अब मेरे वरिष्ठ सहयोगी पुनिया साहब और उदित राज साहब से निवेदन करूंगा, इस पर आपको कुछ और खुलासा देकर बात करें। पवन खेड़ा जी ने तो विषय की शुरुआत की है, वो बहुत गंभीर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान बना था, उसमें मूल धारणा इक्वलिटी की है, समानता, बराबरी की, लेकिन इक्वलिटी के साथ में इक्विटी का भी प्राविधान उसमें है। सबको बराबर का अधिकार है, लेकिन उसके साथ साथ जो बराबर नहीं हैं उसको विशेष अधिकार देके उनको बराबरी लाने की कोशिश है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आखिरी संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें कहा था कि हमें खुशी इस बात की है कि राजनीतिक बराबरी का अधिकार हम दे पाए हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के माध्यम से, लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी हमारे लिए चुनौती है और आगे आने वाली सरकारों के लिए भी ये चुनौती रहेगी। उन्होंने अपेक्षा की कि सरकारें जितना जल्दी हो सके सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी खत्म हो, अन्यथा उससे पीड़ित लोग संविधानिक व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। ये चेतावनी भी थी और एक एजेंडा भी सेट था, और उसी के तहत
आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी खत्म करने के उद्देश्य से आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। और जो भी सक्सेसिव सरकारों ने जो भी कर सकते थे उसको आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से या आरक्षण शिक्षण संस्थानों में, नौकरियों में, सब जगह। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में आई, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, तो वहाँ पर भी संविधान के में संशोधन रिव्यू करने के लिए उन्होंने आयोग तक बना दिया। ये संविधान के ऊपर हमेशा लगे रहते हैं कि इसमें बदलाव किया जाए, इसमें रिव्यू किया जाए। बल्कि आप लोगों को याद होगा, जब संविधान को लागू किया गया तभी आरएसएस की तरफ से इनके जो एलाइज जो इनके संगठन के लोग थे, इन्होंने कहा था कि संविधान पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार है, हमारे यहाँ तो संविधान, हमारा संविधान तो मनुस्मृति के ऊपर आधारित होना चाहिए। ये उनकी एक मानसिकता है, और उस मानसिकता को आगे बढ़ाते हुए अब पिछले 5 साल से भी हमने देखा है समय समय पर किस तरह के बयान आते हैं। जो मनमोहन वैद्य जयपुर में लिटरेरी फेस्टिवल में जो बयान दिया कि आरक्षण को ख़त्म होना चाहिए, इससे अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। बिहार के चुनाव में सरसंघ चालक ने स्वयं कहा कि आरक्षण के ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। तो जब भी इनको मौका मिलता है, और अब उन्होंने कहा है कि एक सौहार्दपूर्ण बहस होनी चाहिए, जो पक्ष में बोल रहे हैं जो विपक्ष में बोल रहे हैं सब बहस होनी चाहिए। किस तरह की बहस करना चाहते हैं? मुझे खुशी होती है, कहते हैं कि ये सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन शुद्ध रूप से ये राजनीतिक संगठन है। मुझे प्रसन्नता होती अगर उनकी तरफ से कहा जाता कि एक वर्ग हिंदुस्तान में ऐसा भी है जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से गैर बराबरी में है, जो विषमता में पलता है, रहता है, और उनके साथ अत्याचार की घटनाएं होती, इन्हीं की अपनी सरकारें होती हैं। मैं दृष्टांत नहीं कहलाना चाहता कि क्या क्या इन्होंने किया, लेकिन क्या ये सही नहीं है कि इन्होंने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण को ख़त्म करने का प्रयास किया, वो दबाव हुआ, चारों तरफ से दबाव हुआ, पार्लियामेंट में भी बहस हुई, वहाँ दबाव में उनको कहना पड़ा कि हम इसको दोबारा लागू करेंगे, वो तो लागू करना पड़ा। SC ST एक्ट को जो डायल्यूट कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन उसमें बहस करते समय सरकार की तरफ से क्या कहा गया, इनके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल महेंद्र सिंह ने क्या दलील दी थी, उन्होंने कहा कि हाँ इसमें कुछ कमियां हैं और इसका दुरुपयोग हो सकता था, यहाँ तक कहा। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश दिया। और शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान क्यों ख़त्म किया? ये लागू किए गए थे, किसी वजह से लागू किए गए थे, ये गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी ख़त्म करने के लिए ये शेड्यूल का सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान 76 में लागू हुआ था, और 1980 में शेड्यूल का सब प्लान लागू हुआ था, और निरंतर उसकी मॉनिटरिंग, उसकी व्यवस्था अलग है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती थी। आज तो योजनाओं के माध्यम से चाहे जिसको कह दीजिए कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, मान लिया, जो उन योजनाओं के ऊपर पैसा दिया जा रहा है जहां पर जिनसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब उनसे कोई लेना देना नहीं है। आज ये एक प्रश्न जो खड़ा किया है, ये सोची समझी चाल है। वो चाहते हैं कि आरक्षण संविधान के समीक्षा करने के नाते या जैसे उसको समाप्त किया जाए, बहस खड़ी किए जाए, आपस में उलझा के रखा जाए, तो ये बहुत ही निंदनीय है। ये उनकी अपनी मानसिकता है, और एक तुच्छ मानसिकता। तो अभी दिल्ली में रविदास मंदिर को गिरा दिया, वो कहते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किस आधार पर दिया? आपने गलत मास्टर प्लान बनाया। मास्टर प्लान बनाते समय उस मंदिर का नहीं दिखाया गया। वास्तविकता ये है कि गुरु रविदास जी यहाँ पर आए थे, 3 दिन रुके थे, और उसी के नाते सिकंदर लोधी वहाँ उनसे मिलने आए थे, आशीर्वाद लेने, तो वो जमीन दी गई थी। और 1948 के रिकॉर्ड में उसमें दर्ज है चमार वाला जोहड़, और वहाँ पर आज भी
लोग मिट्टी ले जाके जाते हैं, वो स्किन डिजीज का इलाज वहाँ पर कराते हैं। 1959 में जब मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, बाबू जगजीवन राम जी स्वयं वहाँ गए थे, उनका उसका प्लेक उसमें लगा हुआ, पत्थर लगा हुआ, तो उसको नकार के और आपने उसको फॉरेस्ट दिखा दिया, लैंड यूज गलत आपने दिखाया, मंदिर नहीं दिखाया, तो लैंड यूज को चेंज करते हुए अब आप कहते हैं कि साहब अल्टरनेट जगह देने की तैयार कर रहे हैं। क्यों अल्टरनेट जगह दी? ये भी आपकी मानसिकता है, इस तरह की मानसिकता है। जब एक तरफ तो कहते हैं कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये भी एक पवित्र स्थान है, तो वहीं पर सरकार को करना चाहिए। मैं केवल उदाहरण के बता रहा हूँ कि सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है, ये इससे पूरी तरह से साबित होता है। तो आज मैं समझता हूँ कि संदेश देने की आवश्यकता है, ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ये दलित विरोधी है और दलितों का कल्याण इनके हाथों से नहीं हो सकता। जो जो भी योजनाएं जो इस एससी एसटी ओबीसी, क्योंकि आरक्षण में वो भी सम्मिलित है, वो उनके तरफ भी उनका निशाना है, उनको जो भी लाभ अगर मिल रहा है तो उनको अच्छा नहीं लगता, उसको जैसे तैसे करके ख़त्म करना चाहते हैं, ये हम बताने आए। धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन। मुझसे पूर्व पुनिया जी ने बड़ी विस्तार से बात रखी है, मैं उन बातों को तो नहीं दोहराऊंगा, लेकिन आरएसएस की क्या सोच है, बीजेपी की क्या सोच है, उस पर थोड़ा कुछ बोलना चाहूँगा कि 11 दिसंबर 1948 में रामलीला मैदान में बहुत बड़ा इन्होंने सम्मेलन किया था और डॉक्टर अंबेडकर का पुतला भी फूंका था और गोलवरकर जी से लेकर के कई इनके जो थे नेता थे, वो ये हमेशा कहते रहे कि संविधान में देर इज नो इंडियननेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनिशियली दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज इट इन अ वे दैट दे अक्यूज्ड, दे चैलेंज द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑनेस्टी इंटीग्रिटी ऑफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एंड दोज हु वेयर द पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी एंड दोज हु वेयर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ते तो भारतीय लगता ही नहीं, संविधान को इन्होंने माना नहीं। और जहाँ तक तिरंगा की बात है तो 15 साल पहले तिरंगा फहराने लगे, जो तिरंगा लेके चलते रहते हैं ये तिरंगा को माने ही नहीं। तो आज ये आरक्षण जो मिला है ये कोई अमेंडमेंट से नहीं मिला है, ये तो पूना पैट के बाद 36 में, फिर 43 में, उसके बाद में फिर वो फॉरवर्ड हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ। तो अगर बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके ऊपर बहस का अगर दावत देते हैं एक पार्ट का, तो इसके मतलब आज भी वही मानसिकता इनकी है कि एक एक करके भड़काना, एक तरह से भड़काने का काम किया है कि जो लोग नहीं भी आरक्षण के खिलाफ हैं वो भी आकर के बहस करें कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भागवत जी ने कहा है कि आरक्षित वर्ग को इस तरह से नहीं रखना चाहिए कि वो उनको ठेस पहुँचे, और उनको भी बहस नहीं करना चाहिए कि आरक्षित वर्ग को इससे ठेस पहुँचे, यानी एक लड़ाने का काम। और 2006 में जब अर्जुन सिंह जी एचआरडी मिनिस्टर थे तो 93rd अमेंडमेंट के जरिए ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेज में, उनके खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन चलाया था एम्स में। तो ओबीसी को भी रिजर्वेशन में है, एससी एसटी ओबीसी, तो ओबीसी को भी समझना चाहिए कि किस तरह से आरक्षण के विरोध में लोग हैं। और मंडल के खिलाफ में कमंडल चलाकर तो पार्टी इन्होंने बढ़ाई, तो आरक्षण के विरोध में यही लोग हैं शुरू से, संविधान और आरक्षण दोनों के विरोध में।
तो जो पुरानी बहस है उसको फिर से ये ले आना चाहते हैं, जैसे 1948 में, 51 में, 52 में, तमाम सारे इनके बड़े बड़े दृष्टांत रहे, घटनाएं रही हैं। तो फिर से जैसे कहते हैं कि हम संविधान में आस्था रखते हैं, ये तभी तक संविधान में आस्था रखेंगे जब तक कि अंकुश है। और जिस दिन लगेगा कि जो चेकमेट यानी और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है इस देश के अंदर जो कि इनका चेकमेट है, वरना फिर से शुरू वहीं से करेंगे। संविधान को नहीं मानेंगे, तिरंगा को नहीं मानेंगे, मनुस्मृति के आधार पर फिर से नियम कानून बनाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा किया भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैटर गया भी है। ऐसा काम बीजेपी के सरकार में ही क्यों होता है? एक नया कोर्ट मनु आधारित जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हो रही कोर्ट का, तो ये आरक्षण के बारे में इनकी मानसा पहले भी जाहिर हुई थी। जब इनको डिफीट मिली बिहार में, तब इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था, जब तक ये चाहें तब तक आरक्षण ले सकते हैं। लेकिन फिर से अब भाषा बदल गई है। तो मैं अपील करूंगा, अब जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, और उसमें मुस्लिम समाज भी 60-70% कवर्ड है ओबीसी में, जो मंडल वाला है, कि उनके हितों की बात है कि ये आरक्षण खत्म करके ये जिन लोगों को थोड़ा बहुत भागीदारी शासन प्रशासन में मिल भी रही है उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। अभी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स की जो पार्टिसिपेशन की बात आई है उसमें लगभग 3-3.5% शेड्यूल कास्ट का है, और ओबीसी का तो मेरा ख्याल 1% नहीं है। तो जिनको ताज़ा ताज़ा आरक्षण मिला भी है उसके पहले ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो निशाना इसमें ओबीसी भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है। तो खुल करके ये बोलें कि हाँ, हम आरक्षण नहीं चाहते। अब उकसाना इनका संगठन बोले तो एक अलग बात होती है, लेकिन प्रवोक करना, एक पूरी कम्युनिटी को प्रवोक करना आरक्षण के खिलाफ, ये क्या दिखाता है समाज के अंदर? जो ये समरसता की बात करते, हालांकि समरसता शब्द का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, ना विश्वास करते, हम समतामूलक समाज की बात करते हैं। तो इस तरह की बात करके समाज के अंदर जहर फैलेगा, झगड़ा पैदा होगा, जैसे 90 में हुआ था, 91 में हुआ था, 2006 में भी काफ़ी हद तक चला था, एम्स के अंदर कई दिनों, कई हफ्तों तक चला हुआ था। तो ये अब इनकी मानसिकता धीरे धीरे साफ नज़र आने लगी है, चूँकि सीटें बढ़ने लगी हैं, उन्हें लगता है कि अपोजिशन कमज़ोर हो गया है, तो अपने मूल प्रवृत्ति में आ रहे हैं। जो इनका जो सही रंग है उस रंग, वो रंग धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगा है। धन्यवाद। मैं पुनिया जी इसका जवाब देंगे। एक बार ऐसी बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, एयरपोर्ट पर बात हो रही थी, तो हमने कहा आप जानते हैं कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक और महाराष्ट्र ये नॉर्थ इंडिया से आगे क्यों हैं? तो उन्होंने कहा बताइए। हम कहा जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल जस्टिस मूवमेंट ओवर देयर, सोशल रिफॉर्म्स ओवर देयर। तब उनको कहा कि 1921 में मद्रास में रिजर्वेशन लागू हुआ, 1902 में महाराष्ट्र में लागू हुआ, 1935 में त्रावणकोर स्टेट में लागू हुआ, 1935 में मैसूर स्टेट में लागू हुआ, इसके पहले लिल्ली कमीशन था। यानी जो ये कहते हैं कि रिजर्वेशन लागू करने से बैकवर्डनेस आती है, उसमें सबका इंक्लूशन होता है और देश आगे जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ का आपने उल्लेख किया, छत्तीसगढ़ में ओबीसी की पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है, 32% आदिवासी हैं, 14% ऐसी हैं, और अब तक ओबीसी का रिजर्वेशन केवल 14% मिला हुआ था। पूरे हिंदुस्तान भर के लिए एक मानक निर्धारित किया, वैसे तो
ओबीसी की पॉपुलेशन लगभग 54% है, मंडल कमीशन ने जो बताया था उससे आधा करके 27% कर दिया, सब जगह लागू है, लेकिन छत्तीसगढ़ में लागू नहीं था। 50% से ज़्यादा की जनसंख्या ओबीसी की होने के बावजूद तो उसको लागू किया गया है, कोई नई बात नहीं गई। वो 50% से ऊपर जाने की जहाँ बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए, पार्लियामेंट में संविधान संशोधन करके और 50% के बजाय 60% तक आरक्षण लेके गए हैं ईडब्ल्यूएस को शामिल करते हुए, तो वो तो उन्होंने किया ही है। हालांकि आज इस विषय पे बात करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए थे हम, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है, तो पिछले 5 साल से ये सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जो एजेंसीज के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक गठबंधन है, महागठबंधन है, जो भी आप कहना चाहें वो कह दें, उसका दुरुपयोग करती हुई दिखती आई है। महाराष्ट्र में चुनाव है तो राज ठाकरे को भी आज तलब कर दिया गया है, तो अब ये समाचार ही नहीं है, अब दिस इज़ नो लॉन्गर ब्रेकिंग न्यूज़, ये एक आदतन अपराधी हो गई है ये सरकार, एजेंसीज का दुरुपयोग करने का, उन पर ये अपराध करने की आदत हो गई है।